हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। सो इसमें लिखा है कि जब भी कोई एक पर्सन कंपनी के साथ डील करता है, सो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट, ही मस्ट इंस्पेक्ट दीज पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स। नाउ पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी के क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आपने बहुत सारे एड्स में पहले या स्टार्टिंग या एंडिंग में आपने सुना होगा कि रीड द पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मतलब कि आपको अवेयर किया जाता है कि उनके जो आर्टिकल्स हैं, एक कंपनी के मेमोरेंडम है, उसको पढ़ने के बाद ही आप एक कंपनी के साथ किसी भी तरीके की डील में एंटर हो। ठीक है, अब मैं आपको एक केस लॉ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ। वो है कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राम मूर्ति। इस केस में क्या हुआ था कि देखो, जब भी कंपनी एक कंपनी एसेट्स के ऊपर लोन लेती है तो वो मॉर्गेज क्रिएट करती है, करेक्ट है। सो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा था कि जब भी कंपनी एक मॉर्गेज क्रिएट करेगी तो उस डीड को कंपनी के 3 लोग साइन करेंगे। कौन कौन? एक CS, एक MD और एक होल टाइम डायरेक्टर। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि जब कंपनी ने ये एक पर्सन के साथ इस पर्टिकुलर डीड करी तो वहाँ पे सिग्नेचर्स किन लोगों के थे? सिर्फ 2 ही लोगों के अवेलेबल थे, वो थे एक CS के और एक होल टाइम डायरेक्टर के। दैट मीन्स MD के सिग्नेचर्स मिसिंग थे। सो उस समय में उस पर्टिकुलर पर्सन ने, जो पिटिशनर है इस पर्टिकुलर केस में, उन्होंने ये चेक नहीं किया और उन्होंने यही ऑब्वियसली वो कंपनी के साथ इस डीड में एंटर हो गए। फिर क्या हुआ कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो पिटिशनर ने क्या किया कि इस डीड के बदले बोला कि भाई अब मुझे ये एसेट्स के बदले मुझे पैसा मिलना चाहिए। बट कोर्ट ने ये चीज़ इन्फोर्स करने से मना कर दी कि कंपनी लायबल नहीं है आपको पैसा देने के लिए, ये मॉर्गेज डीड इन्फोर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो कोर्ट ने क्या बोला कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि ये डीड 3 लोग साइन करेंगे, बट जो आपके और कंपनी के बीच में डीड हुई है, जो मॉर्गेज डीड हुई है, वो सिर्फ 2 लोगों के सिग्नेचर्स वहाँ पे हैं, वो उसमें से हमारे होल टाइम उसमें से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के सिग्नेचर मिसिंग थे। तो कोर्ट ने यहाँ पे कंपनी को लायबल नहीं माना और इस केस में लायबल कौन बना? पिटिशनर ही लायबल बना। उनको इसके बदले, इस मॉर्गेज डीड के बदले कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में बात करती है? वो कंपनी के फेवर में बात करती है कि अगर कंपनी, अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो यू मस्ट इंस्पेक्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, एंड उसको बिना पढ़े अगर आप कंपनी के साथ डील कर लेते हो तो फिर कंपनी लायबल नहीं है। आपको उसी समय मिस्टेक पॉइंट आउट करनी होगी अगर कुछ भी गड़बड़ है। उसके बाद अगर आप वो चीज़ को नहीं देखते हो, अनदेखा कर देते हो, तो फिर कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी। So this is all about doctrine of constructive notice. नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, एंड उसके बाद देखेंगे हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आई होप यू लाइक दैट।